तिथे शिंदेंच्या शिवसेनेशी आमची भावनिक युती आहे तर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीशी आमची स्ट्रॅटेजिक युती आहे असं वक्तव्य उपमुख्यमंत्री फडणवीसांनी केलं. उद्धव ठाकरेंशी आता युतीचा कधीच प्रश्न येणार नाही असं फडणवीसांनी म्हटलं. एबीपी नेटवर्कच्या आयडियाज ऑफ इंडिया कार्यक्रमामध्ये फडणवीस बोलत होते. शिवसेना के साथ हमारा गठबंधन ये एक प्रकार से इमोशनल गठबंधन है जी. और मैं बहुत साफ कहता हूँ कि अजीत पवार जी के साथ एनसीपी के साथ हमारा जो गठबंधन है ये हमारा स्ट्रैटेजिक गठबंधन है. राजनीति में कुछ इमोशंस होते हैं, कुछ स्ट्रैटेजी होती है. हाँ, ये हो सकता है कि शायद 5-10 साल बाद वो भी इमोशनल बन जाए, पर आज मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि शिंदे जी के साथ, शिवसेना के साथ हमारा गठबंधन इमोशनल गठबंधन है, एनसीपी के साथ हमारा गठबंधन स्ट्रैटेजिक गठबंधन है. जिस समय हम लोग गठबंधन की बात कर रहे थे जी, उनको मुख्यमंत्री बनना था. 5 साल मैं मुख्यमंत्री था, वो मेरे साथी थे. दिन में, रात में, आधी रात में जब भी फोन करते थे मैं फोन पर आता था, मैं उनकी बात सुनता था. जो काम वो कहते थे मैं उसको करता था. कभी मैंने उनकी बात टाली नहीं. लेकिन जिस समय ये गठबंधन वाली बातें थी मैं फोन करता रहा और उनमें इतनी भी कर्टसी नहीं थी कि फोन पर आकर वो कह दे कि नहीं देवेंद्र जी, आपके साथ नहीं जाना है. ये भी उन्होंने नहीं किया. तो दरवाजा तो उन्होंने बंद कर दिया. तो इसलिए अब उद्धव ठाकरे जी दोस्त है या नहीं है ये सवाल मुझसे पूछकर फायदा नहीं है, ये उनसे पूछना पड़ेगा. क्योंकि रास्ता उन्होंने बंद किया, दरवाजा उन्होंने बंद किया और कर्टसी भी उन्होंने नहीं दिखाई. पॉलिटिकल डिफरेंसेस जब होते हैं ना जी, तो उसको पाटना आसान होता है. आपके और मेरे इश्यूज के ऊपर डिफरेंसेस है तो हम कॉमन ग्राउंड बनाकर साथ में आ सकते हैं. यहां पर हमारे मन दुखी है. यहां पर केवल पॉलिटिकल डिफरेंसेस नहीं है जी. देखिए, दिन रात सुबह शाम वो और उनके लोग अगर हमारे नेता मोदी जी को गाली देंगे और ऐसी ऐसी गालियां देंगे और ऐसी ऐसी बातें कहेंगे जो हमारे घोर विरोधक भी नहीं कहते जी, तो मुझे लगता कि हम उनके साथ जा पाएंगे. तो कोई सवाल नहीं उठता. हमारे मन दुख गए, हम मन से दूर हो गए. मन से दुखी है, इसलिए साथ जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता. आणि यानंतर महत्त्वाच्या बातम्यांचा घेऊया वेगवान आढावा. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.